हेलो अग्नि स्टूडेंट्स, तो क्या आप दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? तो अगर आप कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? हम ये डिस्कस करने वाले कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और आपके पास लगभग एक महीना है तो हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो कि आप ये एग्जाम स्किप कर दें तो ऐसा हो सकता है या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में ही दूंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू इट, बिकॉज हम यहाँ पर ऐसे इग्नोस रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने अगर पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम्स की तैयारी इतनी नहीं करी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको एग्जाम अच्छा जाए जो अभी दिसंबर 2023 में होने वाला है। तो सबसे पहले आपको रेफर करने हैं जितने भी आपके PYQs हैं, पुराने 5 साल के देख लीजिए, वही काफी है। नौ जब आप पुराने 5 साल के पेपर्स देखते हो तो सिर्फ दिसंबर वाले पेपर्स मत देखो, जून वाले पेपर्स भी देखो, क्योंकि हो सकता है कि वो सवाल कुछ जून में जो पूछा गया हो वो आपके में आ जाए। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ नंबर ऑफ पेपर्स। अब आपकी बात हो गई कि हमारे PYQs करने हैं, तो PYQs में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हमने ऑलरेडी वो वीडियोस बनाई हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको चाहिए वीडियो जिसका हमने नहीं अपलोड किया है, देन लेट अस नो द सब्जेक्ट कोड्स इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके जैसे इग्नो स्टूडेंट्स हैं जो आपस में ही क्वेरीज रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप सीधा वहां पर भी बता सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपने PYQs कर लिए तो अब क्या करें। तो अब जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं आप वो भी देख सकते हैं, तो लास्ट 2-3 ईयर्स के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और वहां की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बट मेक श्योर कि ना आप जितनी हो सके ना इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जान के जाइए, हर एक चैप्टर का ओवरव्यू देख के जाइए। अब चैप्टर के विद इन द चैप्टर यू विल सी कि बहुत सारे ना इंडेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, बीच बीच में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, और बाय द एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको भी एक बार देख के चली जाइए। और इन सब के सोल्यूशंस के लिए आप नीरज पब्लिकेशन की बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सो इफ यू गो टू नीरज पब्लिकेशन की वेबसाइट तो वहाँ पर आप कोई भी बुक परचेज पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड TBG2023 यूज करते हैं देन यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट्स। तो काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, सो प्लीज आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद आप लगभग अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं, आप अबव एवरेज मार्क्स जरूर लेके आएंगे। नाउ व्हाट इफ कि यू डोंट हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं पढ़ाई कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप बेसिकली ये जो दिसंबर वाले एग्जाम्स है वो स्किप कर सकते हैं फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ही आप इसको स्किप कर दीजिए, और वो जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है वो अगली एग्जाम साइकिल में, दैट इज जून 2024 में जो आपका एग्जाम होगा, आप उसमें दे सकते हैं। क्योंकि आपको इग्नो एक तरीके से आपको मौका देता है कि आप अपना जो भी एग्जाम छूट जाए या फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा क्लियर कर सकते हैं वो भी नेक्स्ट साइकिल के अंदर। तो अगर आप दिसंबर में कुछ सब्जेक्ट से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो आप वो मत दीजिए, उनकी सब्जेक्ट की तैयारी करके, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम दिसंबर से जून तक के बीच में, आप उसमें तैयारी करके आप उसको जून में भी दे सकते हैं। बट अगर सारे सब्जेक्ट्स को स्किप कर दोगे तो मैं आपको मना ही करूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पाइल अप हो जाते हैं फिर, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेशन के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट्स भी सबमिट करने हैं, तो टाइम आई डोंट थिंक सो कि आपके पास होगा, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ यू ऑल आर वर्किंग, आप जॉब्स कर रहे हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स की अभी दे दीजिए, कुछ सब्जेक्ट्स की जून में दे दीजिए। तो आई होप कि ये एडवाइस आपके काम आएगी कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, एग्जाम का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। हमने और भी डिटेल में वीडियोस बनाई है तो आपको आई बटन पर वो मिल जाएगा या फिर सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेन, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।